माँ शारदे के चरणों में नमन। अभी मैं एक कहानी सुनाती हूँ हम सबको। कहानी का शीर्षक है धैर्य। तो एक कक्षा चल रही थी, उस कक्षा में काफ़ी संख्या में बच्चे थे। टीचर जी कक्षा में आते हैं और सभी बच्चों को देखते हैं। क्या देखते हैं कि सभी बच्चे बैठे हैं, तो सभी को एक एक ट्रॉफी दे देते हैं। वो लेकिन उस ट्रॉफी देने के साथ एक शर्त रखते हैं कि इस ट्रॉफी को 10 मिनट तक कोई भी बच्चा खाएगा नहीं। ठीक है, अब अध्यापक जी तो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद सभी बच्चे कक्षा में एकदम सन्नाटा छा जाता है, एकदम सब शांत हो जाते हैं। काफ़ी समय बीतता है, 10 मिनट होते हैं इंतज़ार के बाद में, तो अध्यापक जी कक्षा में वापस प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में वो सभी बच्चों को देखते हैं, तो केवल 7 बच्चों को छोड़ करके बाकी सभी बच्चे क्या करते हैं, उस टॉफ़ी को खा लेते हैं और उस पर टिप्पणी करते हैं कि टॉफ़ी कैसी थी, अच्छी थी, खट्टी थी, मीठी थी, इस पर बात करते हैं। जो अध्यापक जी थे उसके बाद में चुपचाप अपनी डायरी निकालते हैं और उस डायरी में उन 7 बच्चों के नाम लिख लेते हैं जिन्होंने उस टॉफ़ी को खाया नहीं था। उसके बाद में अध्यापक महोदय अपनी कक्षा को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद में वो कक्षा से चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। जब समय गुजरता जाता है तो वो बच्चे होते हैं जो 7, वो भी बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद में वो अध्यापक जी थे जिनका नाम था वॉल्टन मशार, वो क्या करते हैं कि उनका वो रिसर्च करते हैं उन 7 बच्चों पर। वो काफ़ी संघर्ष करके बाद में उन 7 बच्चों की पहचान निकालते हैं और क्या देखते हैं कि वो 7 बच्चे थे वो अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाते हैं और सफल जिंदगी जीते हैं। उसके बाद में जब वो देखते हैं कि जिन बच्चों ने टॉफ़ी खा चुके थे उन पर रिसर्च करते हैं, साथ में देखते हैं कि वो अपनी सामाजिक और आर्थिक ज़िंदगी में अपना केवल जीवन यापन करते हैं और कड़े संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे ही वो जो टीचर थे उन्होंने उस टॉफ़ी को जो दी थी टॉफ़ी उसका नाम था मार्शमेलो। तो इसकी एक थ्योरी बनाई कि मार्शमेलो थ्योरी। उस मार्शमेलो थ्योरी के अनुसार ये था कि जो व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में 10 मिनट का धैर्य रख सकता है वो अपने जीवन में उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है और ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता है वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। अब अपन जिन अच्छे व्यक्तियों की, उच्च पद वाले व्यक्तियों की बात करें तो वो सभी बच्चे क्या है, जो व्यक्ति है उच्चतम शिखर पर पहुँचे हुए हैं उनमें अन्य गुणों के साथ में धैर्य का भी गुण होता है। इसीलिए हमें हमारे जीवन में धैर्य के गुण को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।